हेलो इन्वेस्टर, नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रिज्म ग्लोबल वेंचर शेयर जो राइट इशू यहाँ पे ओपन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी सवाल हो राइट इशू से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, राइट इशू अप्लाई करने के क्या फायदे हैं, राइट इशू अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, राइट इशू सेल कर दिया तो क्या होगा, राइट इशू अप्लाई कैसे करना है, हर एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आशा है आप काफी अच्छे से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो ऐसे देख रहे हैं तो रोटेट कर लीजिए, अपने फोन को रोटेट कर लीजिए, काफी अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, जैसा कि पहला वीडियो मैंने बना दिया है, आप अगर देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, हर अपडेट देख सकते हैं। फिर भी जो इन्वेस्टर हमारे इस वीडियो पे न्यू है उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि क्या क्या होने वाला है। थोड़ा सा छोटा सा जानकारी जो कि मैं आपको यहाँ पे फिर से देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट इशू शेयर है यहाँ पे देख सकते हैं, इतने शेयर यहाँ पे होने वाले अलॉट देख सकते हैं यहाँ पे, अब 12,20,70,000, ठीक है। ये जो टोटल पैसे है यहाँ पे देख सकते हैं, पैसे यहाँ पे टोटल इतने हैं, ठीक है, 48,83,08,000, ठीक है। यहाँ पे लिखे रुपए 48 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया और नेक्स्ट क्या हो गया इंपॉर्टेंट, सब यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। और दूसरा हो गया 43 शेयर्स मिलेंगे, कितने पे, 100। देखिए लिखा हुआ इक्विटी शेयर हेल्ड बाय सच एलिजिबल शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट मार्च 3। कहने का मतलब क्या है दोस्त, जो इन्वेस्टर 3 मार्च तक, जो इन्वेस्टर भाई हमारे 3 मार्च तक शेयर को होल्ड करके रखे हुए हैं, उनको यहाँ पे क्या मिलेगा, राइट इशू शेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे फ्रेंड्स मेरे, कितने मिलेंगे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है रेशियो 43:100। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेकंड में इसको थोड़ा कम करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस लाइन में पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बेस्ड टू द एलिजिबल शेयर होल्डर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिए एलिजिबल शेयर होल्डर प्रिज्म ग्लोबल वेंचर लिमिटेड कंपनी और इशू, यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो 43:43, ठीक है, राइट इक्विटी शेयर फॉर एवरी 100 इक्विटी शेयर हेल्ड। कहने का मतलब क्या है दोस्त, 43 शेयर्स मिलेंगे, 43 शेयर्स मिलेंगे, कितने पे, 100, क्या करने पे, होल्ड करने पे। अगर आप 100 यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे कितने शेयर मिलेंगे दोस्त, 43, ठीक है, ये आप समझ गए ना। तो यहाँ पे ऐसे होने वाला है, 43 मिलेंगे 100 पे। तो आप अपना अंदाजा लगा लीजिए कितना आपके पास शेयर है और आपको कितने शेयर मिलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखिए पेमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 रुपए फर्स्ट टाइम पेमेंट करने पे मिलेगा और 2 रुपए आपको यहाँ पे फिर से लास्ट में पेमेंट करना है जब आपको मेल आएगा, ठीक है। और ये प्रीमियम अमाउंट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3 रुपए प्रीमियम, मतलब जब आप प्रीमियम बुक करोगे ना, तब मैं बताऊंगा, आगे भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा डेट भी आपको दिखा दूं, जैसा कि नीचे आने पर यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, इशू क्लोजिंग 28 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है 22 मार्च, 22 मार्च को यहाँ तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बाद सेल आप नहीं कर पाएंगे, 22 मार्च के बाद आप सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मंडे यहाँ पे देख सकते हैं 14 मार्च, यहाँ पे देख सकते हैं 14 मार्च से क्या हो रहा है मेरे फ्रेंड्स, ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है देख सकते हैं, सबसे पहले क्या नाम लिखा हुआ है, प्रिज्म ग्लोबल वेंचर का राइट इशू शेयर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट इशू अप्लाई करने के क्या फायदे, देखिए ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को और काफी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले राइट इशू अप्लाई करने के क्या फायदे, देखिए अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब ये किसको फायदे होने वाले समझिए, यहाँ पे मेन बात क्या है, राइट इशू जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर कितने मिलेंगे फ्रेंड्स, पहला जो अभी जो शेयर चल रहा है, जो ओरिजिनल शेयर चल रहा है इसका कितना पे चल रहा है, 7 रुपया, ठीक है, 7 रुपये पर चल रहा है। और आपको राइट इशू शेयर कितने में मिलने वाले दोस्त, 2 रुपए एक बार पेमेंट करना है और एक बार 2 रुपए पेमेंट करना है, मतलब टोटल कितने पेमेंट करना है मेरे भाई, 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 7 रुपए, आपको जो 43 शेयर मिलेंगे, 43 शेयर मिलेंगे तो 4 रुपए के प्राइस मिलेंगे, समझ रहे हैं, 100 रुपए जो मिलेंगे 43, मतलब एक शेयर का प्राइस आपको कितने मिलेंगे, 4 रुपए में मिलेंगे, मतलब आधा पे मिल रहा है, हाफ में मिल रहा है, ये चीज आप समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, 4 रुपीज पे आपको एक शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपको यहाँ पे, तो आपको सीधी सी बात है यहाँ पे हाफ प्राइस मिलेंगे, हाफ का मतलब समझ रहे हैं ना, आधे पे मिलेंगे, 7 रुपए का शेयर आपको कितने मिल रहे हैं, 4 रुपए में मिल रहे हैं, बस आपको यही यहाँ पे समझना है। अब देखिए अप्लाई करने का यही फायदा है कि 4 रुपए में सस्ता में शेयर मिल जा रहे हैं, और जो भाई बहुत सारे शेयर उनके पास पहले से पड़े हुए हैं, महंगे प्राइस पे लिए हुए, महंगे प्राइस पे, ठीक है, ज्यादा प्राइस पे, हाई प्राइस पे ले चुके हैं शेयर को, तो अब वो अप्लाई करेंगे ना तो उनको यहाँ पे एवरेज देखने को मिलेगा, मतलब कम प्राइस मिल जाएगा, तो यहाँ समझ सकते हैं उनको यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिल गया, एकदम से सस्ते में शेयर मिल गए, ठीक है। तो होप आपको ये चीज काफी अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है।
दूसरा राइट इशू अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि मैंने होल्डिंग्स में आपका शो होने लगा यहाँ पे 43 शेयर्स, ठीक है 43 शेयर्स यहाँ पे आपकी होल्डिंग में शो हो रहा है, आपको राइट इशू मिल गया है, तो आप ना तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक, जब आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आपका जो ये ना राइट इशू शेयर जो आपको 43 शेयर्स मिला है यहाँ पे बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब? अब 22 तारीख लास्ट जो बीच में देखने को मिला था ना, 22 तारीख तक क्या होगा उसमें ट्रेडिंग होगा, तो 22 मार्च के बाद आपको जो देखने को मिलेगा, तारीख के बाद आपको जो देखने को मिलेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेल हो जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, 43 जो भी रहेगा वो बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप अप्लाई ही कर दीजिए, अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। ठीक है, सेल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे प्रीमियम पैसा मिल जाएगा, आपके जो वॉलेट है जो भी ब्रोकर का उसमें आपको पैसा आ जाएगा या आपके अकाउंट में। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो राइट इशू अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, आपको सेल शेयर्स नहीं मिलेंगे और जो ये फ्री का शेयर्स आपको मिले हैं 43 ये बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए या नहीं तो सेल कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज, राइट इशू सेल किया तो क्या होगा। देखिए अगर आपको कितना शेयर मिला है, मान लीजिए मैंने माना 43 शेयर आपको मिले हैं, तो आप जो सेल करोगे ना तो प्रीमियम अमाउंट कितना मिला वहाँ पे 3 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, या ट्रेडिंग जितना पे होगा, ट्रेडिंग जितना पे होगा उसके हिसाब से कुछ देखने को मिलेगा, तो उतना आप यहाँ पे सेल कर दोगे। ठीक है, आप 3 रुपए के प्रति शेयर पे सेल कर सकते हो, आपकी होल्डिंग में शो होगा, माय फ्रेंड्स शो होगा, राइट टू शेयर एक्स्ट्रा जो मिलेगा ना शो होगा, तो आप उसको सेल कर दीजिए। सेल कर दीजिएगा तो पता है क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा 3 रुपए पर शेयर, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा जितना आपको शेयर्स मिलेंगे। तो सेल करने का यही यहाँ पे फायदा है। अगर आप सेल नहीं कीजिएगा तो उसको वहीं पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा तो आपको राइट टू शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे, और सेल कर दीजिएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अप्लाई कीजिएगा तो भी प्रॉफिट है क्योंकि कम दाम में आपको शेयर्स मिल जा रहा है, क्योंकि करंट प्राइस आपको 7 रुपए देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट। अब मेन पॉइंट ये है कि राइट इशू अप्लाई कैसे करना है। अब मेन पॉइंट है राइट इशू अप्लाई कैसे करना है, चलिए मैं बताता हूं आपको। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल स्क्वायर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पूर्वा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको ये मेन इंपॉर्टेंट है समझना है। ठीक है, अभी अभी क्योंकि अप्लाई नहीं हो रहा है, ओपन होगा ना दोस्त, यहाँ पे देखने को मिल रहा है 14 मार्च से ओपन होगा। ठीक है, तो 14 मार्च के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो यहाँ पे वेबसाइट देख रहे हैं ना, purvashare.com, आप सर्च भी कर सकते हैं खुद से या वेबसाइट में जाकर क्लिक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, मतलब जो पीडीएफ आप डाउनलोड किए होंगे आप वहां पे क्लिक भी कर सकते हैं। इस बार देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए क्लिक किया, यहाँ पे सर्च ले रहा है, देखिए खुल गया। ठीक है, खुल गया ना, और देखिए इस प्रकार से खुलने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे आवर सर्विस दिया गया, इतना सारा सर्विस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यह देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टर सर्विस। ठीक है, इससे कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विस देखने को मिल रहा है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ लिखा रहेगा राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे राइट इशू क्लिक किए फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हर कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा, आप यहाँ पे क्या करना है क्लिक पे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप इस प्रकार से अप्लाई फॉर राइट इशू पे पेज पर पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, कैसे डालना है कंपनी का नाम, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लिक किया, और अभी जो चल रहा है प्रिज्म ग्लोबल वेंचर चल रहा है, जो जो चल रहा है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का डाटा देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे डाटा आप कंपनी का डाटा देखने को मिलेगा, इशू ओपन कब हो रहा है, क्लोजिंग कब हो रहा है, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डीपी आईडी डालना है, अपना जो प्रोफाइल बनाए हुए है ना ब्रोकर में, ब्रोकर में प्रोफाइल में जाइएगा तो वहां पे आपको दिखेगा डीपी आईडी। ठीक है, वो डाल देना है, फिर उसके बाद क्लाइंट आईडी डालना है, सारा कुछ आपको प्रोफाइल में दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आएगा क्या चीज, आपका डेटा आएगा, आपके पास इतना शेयर्स है, आपको वो सब शेयर्स प्राइस लिख देना है 2 रुपए, अपने आप आ जाएगा ये सब। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। इस प्रकार आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इशू ओपन होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।